के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं। और भी लाइन है बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करिए। आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, कितने देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्या जानकारी मिल रही है और कौन यहां पर पहुंचने वाला है? बंद है। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी थोड़ी ही देर में होगी। शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं आप, बीडी शर्मा को आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय यहां पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि सुरेश पचौरी के साथ साथ गजेंद्र सिंह आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो कि शैलेंद्र भदौरिया ने ग्राउंड जीरो से दी है वो ये कि संजय शुक्ला भी यहां पर मौजूद है, जो कि कैलाश आज वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उनकी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भी आज ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए आप ये तस्वीर, और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए झटका। शैलेंद्र, ओवर टू यू। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हालांकि आप जिस तरीके से अभी तस्वीरें जो प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष से आपने देखी, बॉडी लैंग्वेज का आप जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से खुश नजर आ रहे थे, चाहे वह संजय शुक्ला हो या फिर सुरेश पचौरी, बताया जा रहा है कि न केवल दिल्ली में नेताओं से मुलाकात हुई बल्कि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी सुरेश पचौरी की कल एक घंटे की मुलाकात हुई है और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो ये बताता है किस तरीके से भले ही मीडिया में इस बात की भनक ना हो लेकिन बीजेपी अंदर खाने लगातार इन लोगों से संपर्क कर रही थी और इन लोगों से बातचीत का भी दौर जारी था। और जिस तरीके से कुछ देर पहले जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि कई और बड़े नेता सामने आने वाले, और देखिए जिस तरीके से संजय शुक्ला जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे वो उनके साथ नजर आए हैं, वो उनके साथ यहां पहुंचे। तो ये बताता है किस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी का काम कर रही है। ये कहें कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की जो नीति है उससे लोग अब उनके साथ काम नहीं करना चाहते, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, और यही कारण है कि लोग अब छोड़ छोड़ कर पार्टी जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में पार्टी को बड़ा इसमें शायद बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाली बात नहीं है संजय शुक्ला को लेकर, क्योंकि विष्णु प्रसाद शुक्ला जो कि 70 के दशक में भाजपा संगठन में जुड़े थे, उनके छोटे बेटे हैं संजय शुक्ला, और हालांकि उन्होंने भले ही कांग्रेस से क्यों ना चुनाव लड़ा हो अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रूट्स बीजेपी से जुड़े ही थे पहले से। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके पिता जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता के तौर पर वो मालवांचल में जाने जाते थे। तो ऐसे में अगर संजय शुक्ला पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संजय शुक्ला इंदौर क्रमांक 1 से विधायक भी रहे हैं, उनको पार्टी ने महापौर का टिकट भी दिया था और अभी हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वो क्रमांक 1 से पार्टी के प्रत्याशी थे। तो और इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो इंदौर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से कांग्रेस को डैमेज जो है वो लगातार बीजेपी करने में जुटी हुई है, तमाम अलग अलग इलाके जो है वहां से जो नेता आते हैं, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, जो बड़े नेता हो सकते हैं, उन सबको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भले ही राहुल गांधी भारत नया यात्रा निकाल रहे हो लेकिन उस यात्रा का उल्टा परिणाम जो है उन राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां से वह होकर गुजर रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के लिहाज से बात बिल्कुल सही सटीक साबित हो रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार वो जब जहां जहां से गुजरे हैं वहां से लगातार लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे देखिए मुरैना की बात करूं तो पहले राकेश माबी ने वहां से पार्टी छोड़ी, अगर बात करूं तो दो बड़े नेता सुरेश पचौरी और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने अब पार्टी छोड़ी, इसके साथ ही संजय शुक्ला के साथ कई और जो बड़े नेता हैं वो भी अब पार्टी छोड़ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद उन
नामों का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो बीजेपी में शुरू हो गया। आपसे कुछ देर बाद ही यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कौन कौन से बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस के पास संभावनाएं कम थी और ऐसे में जब लगातार इस तरह के बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे तो आप निश्चित मानिए कि जो मिशन 29 का नारा जो बीजेपी दे रही है उसको सफल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो एकमात्र वो सीट थी जहां पर 2019 में जीतने में कामयाबी मिली थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा के में भी कई जो बड़े नेता थे उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई, चाहे वह पार्षद हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, तो ऐसे जो नेता है। शैलेंद्र सुरेश पचौरी इस वक्त मौजूद है, बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान गले लगाते हुए उनको नजर आए, क्या ये पूरी प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी? शैलेंद्र आप तक आवाज आ रही है? जी जी सवाल दोहराइए। शैलेंद्र ये कि बॉडी लैंग्वेज नेताओं का काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, वेलकम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लग रहा है ये नेता गले मिलते हुए नजर आ रहे शिवराज सिंह चौहान, प्लानिंग बहुत पहले से ही होगी थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्लानिंग बहुत पहले से हो गई थी। देखिए जब से बीजेपी ने ऐलान किया था कि आने वाले समय में वो ज्वाइनिंग अभियान चलाएंगे और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास होंगे, तो निश्चित तौर पर जो लोग पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे ऐसे सभी लोगों पर बीजेपी की नजर थी। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक एक करके उनसे बात करने में जुटे हुए थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, या फिर ज्वाइनिंग टोली के जो संयोजक बनाए गए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वो हो, या जो और अन्य नेता हैं। देखिए स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर आपके इलाके में कोई भी पार्षद है, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच है या दूसरा अन्य पदाधिकारी है, यदि वो पार्टी से नाराज है और वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना चाहता है तो ऐसे लोगों की जानकारी जो है वो बीजेपी को उपलब्ध कराए आलाकमान को। यही कारण है कि तमाम जो नाम जो है वो एक एक करके सामने आ रहे थे, लगातार जो ज्वाइनिंग्स है वो लगातार चल रही थी। देखिए बिरसा में हमने जिस तरीके से देखा, जिलाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी, वहां के जो जो विधायक प्रत्याशी रहे उन लोगों ने पार्टी छोड़ी। इसके अलावा बात करते हैं हाल ही में जिस तरीके से जबलपुर के जो महापौर थे जगत बहादुर सिंह अन्नू, उन्होंने पार्टी छोड़ी, राकेश मावी ने पार्टी छोड़ी, तो ऐसे तमाम नेता जो है जो लगातार पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे ऐसे लोगों से बीजेपी ने संपर्क किया और संपर्क करके उन लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराया है। तो देखिए विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद खास बीजेपी के लिए है। देखिए विधानसभा चुनाव में भले ही बंपर जीत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी कि अगर इस तरह के लोगों को लेकर आए, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में 400 पार का नारा दिया गया है, मध्य प्रदेश में मिशन 29 की बात अगर की जा रही है तो 28 सीटें भले ही बीजेपी के पास थी। जी शैलेंद्र, 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया और जो चेहरे आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं उनका कनेक्शन इन 5 सीटों में से किसी ना किसी सीट से जुड़ा है, जैसे कि गजेंद्र सिंह का धार से, जैसा हम बता भी रहे हैं, संजय शुक्ला का कनेक्शन इंदौर से, तो क्या लगता है इंदौर से भी तो अभी कैंडिडेट नहीं उतारा गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो 5 सीटें होल्ड की गई हैं और वहां से भी कुछ नेता जो ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वह गजेंद्र सिंह राजू खेड़ की बात हो या फिर संजय शुक्ला। देखिए संजय शुक्ला इंदौर से आते हैं, विधायक भी रहे हैं, महापौर का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और इंदौर सीट पर अभी जो बीजेपी जो है वो एक नए चेहरे की तलाश भी कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इन लोगों से बातचीत हुई है उसके बाद ही ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 या 2 दिन में ये जो 5 सीटें जो होल्ड की गई हैं उन पर उचित प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया जाए और हो सकता है कि जो नेता अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं उनमें से पार्टी किसी को अपना प्रत्याशी बना दे। देखिए लगातार ये देखने में आया है कि चाहे विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी हमने देखे 5 से 7 लोग ऐसे थे जिनको एंड टाइम पे कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल से उन्होंने छोड़ा, उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और वो पार्टी के लिए जीत कर भी आए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से कई लोग आने वाले समय में जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर भी आपको। बिल्कुल
और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में सुरेश पचौरी के साथ साथ गजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। इसके अलावा संजय शुक्ला, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त देखिए, बीडी शर्मा भी मौजूद है। कैलाश विजयवर्गीय का आपने सुबह ही बयान सुना भी होगा, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो भी इंदौर से चुनावी मैदान में होगा 8 लाख मतों से ज्यादा वो जीतेगा। शिवराज सिंह चौहान का एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी आप देख पा रहे हैं, चेहरे पर स्माइल इन नेताओं के। हालांकि कांग्रेस के लिए निराशाजनक स्थिति और वक्त, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी नेता और बड़े दिग्गज नेता, एक समय पर जो कि सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इनमें से बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के लिए या तो इन्हें संभाल लेने की स्थिति थी, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सका समय रहते ही। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के दिग्गज चेहरे जो कि बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख रहे हैं। लगातार आज सदस्यता दिलाई जाएगी बीजेपी में इन नेताओं की। हालांकि भारी संख्या में कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो आज शामिल हो जाएंगे। एक एक नेता का अगर हम बात करें तो संजय शुक्ला को भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। संजय शुक्ला का भी राजनीतिक इतिहास काफी अच्छा और काफी दिलचस्प रहा है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। हालांकि सुरेश पचौरी को भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर मध्य प्रदेश के। सुधीर जी, आज की ये तस्वीर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजनीतिक सफर इनका रहा है, उस तरीके से इनका बीजेपी में शामिल होना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। खासतौर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका आप मान सकते हैं। हालांकि सुरेश पचौरी की जो राजनीति रही है वो केंद्र में भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने कांग्रेस में संभाली है। ऐसी स्थिति में अगर दिग्गज जो नेता वहां पर अगर जाते हैं कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, तो ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव आ रहा, हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी ये। और जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कमान युवाओं के हाथों में दी है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं, तो एक वजह ये भी हो सकती थी। सुरेश पचौरी का मैं आपको ये बता दूं कि सुरेश पचौरी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी वो केंद्र में संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, 2008 से 2011 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिग्गज जो नेता है उसका बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये इसी तरीके से अगर जी सुधीर सर, एक चीज ये भी कि एक ऐसे नेता सुरेश पचौरी का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की 1972 में, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, और आज आप देखिए कि वो इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं, हम कह सकते हैं उनका मोह भंग हो चुका है अपनी पार्टी से, कांग्रेस से, कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को आप ये कह सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस गर्त में जा रही है उसको अगर आप देखेंगे तो मोहभंग हो भी रहा है। और सुरेश पचौरी बहुत लंबे समय से कांग्रेस में, लेकिन उनकी जो सक्रियता थी पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उतनी बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी नहीं थी, लेकिन जो बदलाव कांग्रेस में हुए हैं वो उन स्थिति में शायद मुझे लगता है कि ये नेता कुछ असहज महसूस कर रहा है पार्टी में, और इसीलिए शायद उनका मोहभंग हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। बीच में आपने सुना होगा कई बड़े नेताओं की खबरें भी आ रही थी कि जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं या कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का पूरे समर्पण के साथ इतने समय तक काम किया है उसके बाद अगर वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं इसकी ठेस तो पहुंचती है नेता को, तो शायद इसीलिए इनका ये जो फैसला है कि वो बीजेपी जा रहे हैं। सर, संजय शुक्ला के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनके तो रूट्स ही बीजेपी से जुड़े? देखिए, संजय शुक्ला इंदौर के दिग्गज नेता है, सबसे अमीर विधायक के तौर पर वो थे यहाँ पर, और संजय शुक्ला का जो पारिवारिक इतिहास अगर आप देखते हो तो संजय शुक्ला के भाई जो है वो बीजेपी से विधायक है, तो संजय शुक्ला के परिवार में कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला स्वरूप देखने को मिला है, तो
संजय शुक्ला के लिए बीजेपी में शामिल होना निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है, क्योंकि कमलनाथ के बहुत करीबी संजय शुक्ला माने जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर संजय शुक्ला बीजेपी में जा रहे हैं तो इंदौर में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो है वो छूट रहा है इंदौर से। और कहीं ना कहीं एक जो सूत्र हमारे कुछ सूत्र वो ये भी बता रहे हैं कि संजय शुक्ला के जाने के बाद कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो वहां से बीजेपी में जा सकते हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं या विधानसभा चुनाव जो हारे हैं, ऐसे कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुझे लगता है कहने के कांग्रेस में नेताओं को अपना कुछ भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा होगा ऐसी स्थिति में भी, और तवज्जो भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कई कारण है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका मंथन करने की जरूरत है कि आखिर जो नेता उनके, जिनको आप ये कह सकते हैं कि उनके स्तंभ माने जाते थे, कांग्रेस का जो स्तंभ माने जाते थे मध्यप्रदेश कांग्रेस का, वो नेता आखिर पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये बहुत इससे कांग्रेस को बहुत गंभीर मंथन की जरूरत है। सर, क्या ये ट्रेंड कांग्रेस का कि युवाओं को कमान दी जाए पार्टी की, ये अनुभवी चेहरों को पसंद नहीं आया? अध्यक्ष से कमलनाथ को हटा के जीतू पटवारी को ला दिया गया, जीतू पटवारी मंच से ये कहते हैं कि 50% हमारे युवा नेता होंगे चुनावी मैदान में, क्या ये चीजें इनसिक्योर फील करा रही थी अनुभवी नेताओं को? देखिए, जो नेता शामिल हो रहे हैं इसमें, खासतौर पे अगर आप इसकी बात करते हैं, जैसे सुरेश पचौरी की अगर बात करते हैं, तो वो तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन संजय शुक्ला, विशाल पटेल की अगर हम बात करते हैं, या फिर LSVI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करते हैं, तो ये जो नेता लोग हैं ये तो युवाओं की गिनती में ही आते हैं। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में इनकी हार होती है और उसके बाद इनके पास कोई जिम्मेदारी ना होना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस को इनको कुछ जिम्मेदारी ऐसी देनी चाहिए थी जिसमें वो संगठन को मजबूत कर सके, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत करने की चुनौती जीतू पटवारी के सामने है कि संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, संगठन के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी। और अगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे मजबूत नेता जो जा रहे हैं, एक चीज और देखना होगा आपको कि ये नेता कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कार्यकर्ताओं के तौर पर या संगठन के तौर पर मजबूत नहीं करते थे, आर्थिक तौर पर भी कांग्रेस की मजबूती का कारण थे। संजय शुक्ला, विशाल पटेल की अगर आप बात करते, तो राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, तो जो कार्यकर्ता थे, जो यात्री थे, उनके रुकने का, ठहरने का इंतजाम, खाने के इंतजाम की जिम्मेदारी भी विशाल पटेल और संजय शुक्ला जैसे नेताओं ने संभाली थी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप चुनाव में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नेताओं का जाना बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा को लेकर ये चर्चा है सर कि धार से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, हालांकि बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा है वहां से, तो क्या लगता है जो ये नेता ज्वाइन कर रहे हैं किसी शर्त पर तो आ ही रहे होंगे? मौजूदा स्थिति में बीजेपी में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शर्तों के साथ या कोई प्रॉमिस के साथ वो लोग शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि वो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी में उनकी उपेक्षा से हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, इसलिए पार्टी छोड़कर नाराज हो रहे हो। जहां तक अगर गजेंद्र सिंह राजू खेड़े की हम बात करते हैं, तो धार से पूर्व सांसद वो रहे हैं और धार में बड़े लंबे समय से थे, और कुछ नाराजगी कांग्रेस पार्टी को लेकर, उपेक्षा से जो नाराजगी थी वो सुनने में आ रही थी कि उसको लेकर वो थोड़े से नाराज थे, और धार का टिकट बीजेपी ने होल्ड किया हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है, और धार में अगर विधानसभा चुनाव के भी आप नतीजे देखेंगे, तो भाजपा ने बहुत ज्यादा, भाजपा को वहां पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, बल्कि भाजपा को एक जो सीट थी बदनावर की सीट, वहां से पूर्व मंत्री जो थे उनको हार झेलनी पड़ी थी, बाकी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो ऐसी स्थिति में धार जो है, खासतौर से आप एक चीज और देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पूरे देश भर में आदिवासियों पर चुनावी जो दल है उनका फोकस ज्यादा है, और आदिवासी इलाकों में ही आते हैं, और इलाकों में अगर आपके पास एक कैंडिडेट आता है और एक एक सीट जो है वो इस समय काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया उसके लिए एक एक सीट, एक एक वोट काफी अहमियत रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रॉमिस बीजेपी कर रही है या किन शर्तों के साथ लोग आ रहे हैं, ये तो वही लोग जानते होंगे। या सर, पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। पंकज जी, चुनाव के पहले ही बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, और कितने चेहरों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंशिका जी, चाल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क का नहीं है। हमारा तो स्पष्ट संदेश है कि जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की सेवा करने को लेकर, माँ भारती के परम वैभव को लेकर राष्ट्रवाद के लिए तैयार है,
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हुए हैं। अब उनको बीजेपी में लेना नहीं लेने का निर्णय बीजेपी का संगठन करता है। मुझे लगता है अंशिका जी के विश्लेषण और चिंता और चिंतन का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए, एक और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के कमलनाथ दिग्विजय जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं मैदान छोड़कर। राहुल गांधी जो कांग्रेस के मालिक है उनसे नाराज है। दूसरे कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व सांसद, कुछ पूर्व विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सोचना चाहिए कि वो राहुल गांधी जिन्होंने अभी चार दिन पहले मध्यप्रदेश से अपनी भारत छोड़ो यात्रा खत्म करी है और कांग्रेस को छूटने से नहीं बच पाए, तो भारत जोड़ने की बात करते हैं कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे, तो ऐसे राहुल गांधी। अजीत भदौरिया जी जुड़ गए हैं, इसी सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। अजीत भदौरिया जी, भारत जोड़ने निकले लेकिन कांग्रेस नहीं जोड़ पाए, बीजेपी का कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए अंकिता जी, भारत भी जोड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, और भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, उनको महिलाएं हो, उन सबको भी न्याय दिलाने के लिए निकले हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जहां तक लोगों का जाने का प्रश्न है तो सब स्वार्थ की राजनीति है। सुरेश पचौरी जी को क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? सब कुछ दिया सुरेश पचौरी जी को। अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पे इस बार दे रही थी कि नहीं कांग्रेस, इस बार दे रही थी कि नहीं? सुनिए जी, इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ मिल रहा था कि नहीं? अरे पिछली बार लोकसभा लड़ाया, वो खुद ही नहीं लड़ना चाह रहे थे लोकसभा, उनको विधानसभा का भी ऑफर किया था, विधानसभा भी मना कर दिया। आगे नाथ ना पीछे पगा, किसके लिए अपने आखिरी में धर्म चेंज करने जा रहे हैं ये तो पचौरी जी जाने। उनको मुबारक हो, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पूर्व में गए हुए नेताओं की दुर्गति कर दी है, दूसरे दलों से आए हुए नेताओं की, तो सुरेश पचौरी जी का भी वही असर होने वाला है। तो ऐसे स्वार्थ की राजनीति करने वाले नीति न्याय सिद्धांत पे ना चलकर स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इनको सब कुछ दिया कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के क्लोजेस्ट पर्सनों में से एक थे सुरेश पचौरी जी, उसके बाद आज इस तरीके के संघर्ष के दौर में अगर कदम उठा रहे हैं तो ठीक है भाई, आगे हम देख लेंगे, हम और आप फिर चर्चा करेंगे साल दो साल बाद कि क्या मिलेगा इनको, क्या इनका कितना जमीर जगेगा, कितना इनको इंसाफ। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को न्याय दिला नहीं पा रही, भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या दुर्गत कर रखी भारतीय जनता पार्टी ने। अडवाणी जोशी जी को कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि राम मंदिर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा में मत आना आप, क्योंकि उनको उनके बराबर कुर्सी लगानी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है तो पचौरी जी वहां जाकर क्या ले लेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, आरोप तो बीजेपी पर है कि अनुभवी नेताओं को तवज्जो बीजेपी भी नहीं दे रही है। अंशिका जी, ये ऐसा कांग्रेस में होता है, ये वो कांग्रेस पार्टी जिसमें राहुल गांधी अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अध्यादेश पास देते हैं, प्रणब मुखर्जी दिवंगत होकर उनकी पुस्तक में क्या क्या लिखा है गांधी परिवार के बारे में, तो खड़गे जी के साथ कैसी स्थिति है कि बेचारे अपनी कार्य समिति नहीं घोषित कर पाते। तो मुझे लगता है कांग्रेस आत्म विश्लेषण करे, अडवाणी जी भारत रत्न है, जरा थोड़ा जानकारी इकट्ठी करे। दूसरा सबसे बड़ा विशेष बात का है कि हमको तो कि जो कांग्रेस छोड़ेगा उसको भला बुरा कहा जाएगा, बहुत दिया बहुत दिया, तो क्या बगैर योग्यता के दे दिया? कृपा करी देकर पचौरी जी या जो भी कांग्रेस में थे उन्होंने भी तो अपना जीवन कांग्रेस को दिया, तब तो दिया ना आपने, लेकिन जब आपके साथ थे तो अच्छे थे। अजय जी, खबर ये है कि संजय शुक्ला तो जा ही रहे हैं लेकिन अपने साथ दो तीन चार और लोग को लेकर जाएंगे, तो क्या कांग्रेस ने बात करने की कोशिश नहीं की क्या इन नेताओं से? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, संघर्ष के दौर में जिसको जाना है वो जाए, अगर जिसको लगता है कि संघर्ष में साथ नहीं देना है तो जाए। आज कांग्रेस पार्टी ने ही इतनी हैसियत बना दी सुरेश पचौरी जी की, भारतीय जनता पार्टी क्या दे देगी आने वाला वक्त बताएगा, कि कांग्रेस पार्टी ने ही तो हैसियत बनाएगी। हम और आप ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो सुरेश पचौरी जी की व्यक्तिगत क्या हैसियत है? एक पार्षद का चुनाव तक नहीं जीते सुरेश पचौरी जी आज तक, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको तीन तीन चार चार बार राज्यसभा पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, सारा मान सम्मान दिया, पीसीसी चीफ बनाया, सब कुछ दिया, बाकी इनकी क्या व्यक्तिगत योग्यता है? इन्होंने कभी पार्षद का चुनाव जीता? संजय शुक्ला और गजेंद्र सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये सब जाना चाहिए जिसको जाना है। राहुल जी ने कह दिया, हम तो कह रहे हैं और ले जा चले जाए जितने लोग जाना, संघर्ष के दौर में जो लोग साथ रहेंगे वो लोग साथ हैं और आगे भी रहेंगे जो नीति न्याय से के सिद्धांत से बंधे हुए। लेकिन जो अपनी पार्टी से संघर्ष कर रहा है उसका क्या होगा अजीत जी? ये तो शॉकिंग है। कोई शॉकिंग नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी परिवार का। देखिए अजीत जी, आप खुद भी परिवार के मुखिया होंगे,
कोई अगर आपसे कहता है कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं तो पहले तो आप उसे मनाएंगे ना? बिल्कुल, हमने मनाया सब कुछ, पूरा मान सम्मान दिया किसी को, अगर परिवार के सदस्य को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और उसके बाद अगर वो परिवार में विघटन करने के लिए दूसरों के कहने पे आ रहा है, हैं, तो आप चले जाओ, बाहर का भी आनंद लेके आ जाओ, फिर देख लेना आप क्या होगा। सब लोग तो गए थे, राकेश चौधरी जी गए थे, सब जितने कई लोग भटक भटक के गए, मुकेश नायक वगैरह सब लौट के बुद्धू घर को आए, सब यहीं आ गए लौट के, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, टिकट दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, ये बता दे पचौरी जी की व्यक्तिगत योग्यता क्या है, वो पार्षद का चुनाव भी जीते क्या? उनको कांग्रेस पार्टी ने तीन तीन बार राज्यसभा दी, हारने के बाद भी कोई सामाजिक जनाधार नहीं, कोई राजनीतिक जनाधार नहीं, पंकज चतुर्वेदी के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया केंद्र मंत्रालय। ठीक है जी, जी वापस आऊंगे आपके पास। पंकज जी, सवाल ये कि मिशन 29 है आपका, बीजेपी का कहना है कि 29 में से 29 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे, क्या इसी राह में लगातार कुनबा बढ़ाने की कवायद है बीजेपी की? देखिए, हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, लोकसभा में 370 और एनडीए की मिलाकर 400, और उसके लिए मोदी जी की गारंटी, गरीब कल्याण के ढेरों कार, महिला कल्याण के लिए 33% का आरक्षण का 100% सेंटर पर कम किए, सुधा मूर्ति जैसी जो की महिला सशक्तिकरण करने वाली बहने आज देश की राज्यसभा में है, तो ढेरों विकास के कारण हम तो कह रहे तुलना करिए आपको, आप इसको नहीं, 10 साल के कार्यकाल है मोदी जी का, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर ले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात कर ले, शेर कल्याण सड़क की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, एम्स की बात कर ले, आइए हम तो कहते हैं कांग्रेस से तो विकास पर संवाद करें, विकास की गारंटी भाजपा की, मोदी की गारंटी। ठीक है, लेकिन अजीत जी सवाल ये है कि अब चुनाव में आप लोग कैसे उतरेंगे, किस स्ट्रेटेजी से उतरेंगे, चेहरे कौन से होंगे अब आपके लिए फ्रंट लाइन पर? आगे आने वाला समय, आप दो एक दिन और रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी की इसके केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही, पूरे चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, अच्छे से अच्छे चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस प्रदेश के अंदर। जहां तक मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं भाजपा के मित्र, वो मुझे बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2700 रुपए किसानों को गेहूं का मूल्य देंगे, 3100 रुपए धान का मूल्य देंगे, 3000 लाडली बहनों को देंगे, वो कहां गया, वो कहां गई गारंटी? मोदी जी वो इवेंट मैनेजर हैं, जिन्हों अडवाणी जी ने भी कहा, जोशी जी ने भी कहा, मोदी जी वो इतने बड़े इवेंट मैनेजर हैं कि पिछली बार वो क्या कहते हैं उसको बुलाने के लिए आगे एक नया जुमला लेके आ गए, अब वो इस बार नया जुमला लाए, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे भाई काय की गारंटी, आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा फेलुअर, वादे से मुकरने वाला इंसान इस देश में आज नहीं। 450 रुपए सिलेंडर की बात की थी पूरे तीनों राज्यों में, कहां गए भैया वो 450 रुपए का? मध्य प्रदेश में किसी को मिला 450 का? राजस्थान में मिल रहा क्या 450 का? ये भी तो मोदी के मुंह से निकली गारंटी थी, क्या हुआ उन गारंटियों का? पंकज तो आदरणीय, मैं आपको अंशिका जी, मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को 450 का सिलेंडर मिल रहा है, ये वचन था, वचन की पूर्ति करी है। 2700 में गेहूं, 3100 में चावल लेंगे, वचन की पूर्ति कर रहे हैं। तेंदुपत्ता 4000 वचन की पूर्ति कर रहे हैं। हर परिवार को रोजगार वचन की पूर्ति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह मेडिकल कॉलेज वचन की पूर्ति कर रहे हैं। आज 5 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में आज प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भ्रम में रहे और मोदी जी को गाली बकलो, आप खूब गाली बकलो, आप कहो उनको नीची जाति का, छोटी जाति का अपमान करो, उनका झूठा कहो, जो कहना कहो, पर आज भारत का प्रेम और स्नेह मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये तो बातें वादों की हो गई, लेकिन अजीत जी मेरा सवाल ये है कि जो आपके यंगस्टर्स हैं, यंग नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आ रहे आपको लगता है? नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। आप देखिए, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र भाजपा के, जिस महिला के साथ उन्होंने साथ फेरे लिए उसकी गारंटी नहीं ले पाए मोदी जी, तो इसमें देश में किसकी गारंटी है? तो ये ना वो जसोदा, नहीं पर्सनल नहीं, उनके व्यक्तित्व का बता रहा हूँ, वो जो जसोदा बहन की गारंटी नहीं ले पाया जो आदमी, वो देश में किसकी गारंटी लेगा? आप मुझे बताइए उसकी किस गारंटी पे विश्वास करना चाहिए? अरे भैया अग्नि के बीच में रख के साथ फेरे लेना इस सनातन। चलिए ठीक है अजीत जी, कोई बात नहीं, पर्सनल मत होइए, शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। ये मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, मोहन यादव भी इस बीच नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हालांकि
कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं आज और उन कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। इस बीच तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। दो पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व कांग्रेस एमएलए संजय शुक्ला भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस बीच आज बड़ा दिन और वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीर भी जब ये कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के अब बीजेपी के हो जाएंगे और कहलाएंगे बीजेपी के नेता। कई ऐसे चेहरे आप देख भी रहे हैं लगातार, जिसमें कि आप सुरेश पचौरी को भी देख